guys, welcome back to another reaction video of the reaction girl channel. So guys, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे. So guys, जैसे कि आप सभी ने thumbnail देख लिया, yes guys, Carryminati की new video out हो चुकी है market में, उनके YouTube official YouTube page पर, school trip of the year. और ये comedy वाली video है, आपको पता है वो थोड़ी सी abusing भी करते हैं अपनी videos के दौरान. So देखते हैं ये school trips of the year में क्या होने वाला है. So जब तक हम देखेंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि इसमें होने क्या वाला है. सो सबसे पहले तो हम वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद बाकी डिस्कशन करते हैं. लेकिन उससे पहले आप मेरे को अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो जाके मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और अबाउट सेक्शन में आपको मेरा लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का. सो हियर वी गो विद दिस वीडियो एंड स्टार्ट. तो कैसे हैं आप लोग? स्कूल जिंदगी का सबसे खुशहाल वक्त होता है. स्कूल में ही तुम्हें पता चलता है तुम्हारी कोई औकात नहीं है. स्कूल में ही तुम कभी ना काम आने वाले दोस्त बनाते हो जिन्हें बोतल में भवंडर पैदा करने के अलावा और कुछ नहीं आता. स्कूल में ही तुम ये अल्फाज पहली बार बोलोगे. पहले बड़ा ब्रैकेट खोलूं या छोटा? छोटा खोलता हूं. अरे नहीं, लेकिन बड़ा तो बड़ा है ना, बड़ा पहले खोलना चाहिए. हाँ, लेकिन फिर छोटे? ये मुझसे लड़ा नहीं होगा. खैर, इन सबके बीच में एक चीज है जो बच्चों को एक्साइटेड कर देती है, उनका मूड बना देती है, उन्हें कुछ पलों के लिए खुश कर देती है. स्कूल ट्रिप. एवरीबॉडी शावक शावक माखिया से शावक शावक. स्कूल ट्रिप एक ऐसी बकचोदी है जिसका इंतजार हर बच्चे को होता है. जैसे ही ट्रिप का फॉर्म मिलता है, दिमाग उसे देख के कहता है इस बार तो मचाएंगे. ग्रुप उसी दिन बन जाते हैं, कौन किसके साथ सोएगा, मेरा मतलब है रूम शेयर करेगा. इस बात का फैसला उसी दिन हो जाता है. राजू आजा, श्रीवास्तव आजा, पांडे आजा, चंकी तू नहीं, मंगल तू आ, हो गया नाम चार. भाई अपने भाई को भूल गया तू? तू रंजीत के साथ चला जाना. भाई तुझे पता है वो अजीब तरीके से छूता है मुझे. यार तू जब भगता है पूरे कमरे में बदबू फैल जाती है. पिछली बार भी तूने यही किया था, हमें सुनील सर के कमरे में सोना पड़ा था. यार मान जाना इस बार नहीं हगूंगा. ना ठीक है भोसड़ी के, अगली बार मत बोलियो. भाई पैसे हैं, खिला दे यार, समोसा ले आ, श्रेया का नंबर दे दे और वो होमोसेक्सुअल वाला एक्सपेरिमेंट जो ठीक है यार आ जा तू. राजू प्रीमा की चुप. अब कभी कभी जब थोड़े बड़े क्लास की ट्रिप जा रही होती है तो स्कूल वाले सोचते हैं हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे बच्चों का अनुभव और अच्छा हो. लौंडे लौंडियों के होटल अलग अलग कर देते हैं. ऐसा लगना चाहिए दो अलग अलग ट्रिप जा रही हैं. मतलब ये सोचते क्या है, बच्चे तो पूरे होटल में सेक्सी सेक्स मचा देंगे. टू स्टार रोजविल हॉलीडे को रोजविल कोठा बना देंगे. एक साल बाद बच्चों के अपने बच्चे होंगे. स्कूल वालों को कुछ आता हो ना आता हो, बंटवारा बहुत अच्छे से करना. वो आ गया, देखो देखो वो आ गया. अब वो दिन आ चुका है जिसका तुम्हें सदियों से इंतजार था. तुम्हें सुबह 4 बजे उठना था लेकिन तुम तो सोए ही नहीं हो क्योंकि दिल में लड्डू नहीं परमाणु बम फूट रहे हैं. ठीक 1.5 घंटे बाद तुम स्कूल में हो और सबके साथ बस में बैठे हो. ड्राइवर बस का इंजन ऑन करता है और बच्चे कतई पागल, तहस नहस, वो हूटिंग चल रही है जैसे ड्राइवर जस्टिन बीबर हो और अपने मुंह से इंजन की आवाज निकाल रहा हो. और साला ड्राइवर भी पूरा भाव खाता है, एक बार में बस स्टार्ट नहीं करेगा ना, इंजन को बार बार ऑन ऑफ करता रहेगा जब तक बच्चे हाइप नहीं हो जाते, जब तक एक बच्चा इट्स लिट ना चिल्ला दे. आखिरकार बस चलती है. कुछ बच्चे आगे टीचर्स के साथ बैठे हैं तो कुछ बच्चे अपने हरामी दोस्तों के साथ पीछे. आगे हमेशा एक ऐसी बच्ची बैठती है जिसे टीचर्स के साथ सोशलाइज करना होता है. सर टुडेज वेदर इज वेरी ब्यूटीफुल. और पूरी थूत का स्पोर्ट्स टीचर बोलता है यस बेटा, व्हाट अ वंडरफुल वर्ल्ड. और पीछे बैठे बच्चे लौंडे एक दूसरे में उंगल कर रहे होते हैं. ओए अजय तू अपने बाल कहाँ कटाता है? यार सैलून में. अच्छा और सर के? ऐसे ही बच्चे बड़े होके मंत्रियों में चाटे लगाते हैं. और कुछ बच्चे सोचते हैं इस लंबे सफर में क्यों ना अंताक्षरी खेली जाए जिसमें सिर्फ Volume 1 ही गाएंगे. भूख मारूं तेरे सर से कूदने का, भूत उतारूं मुंह में अपना पकोड़ा देके शूट मारूं. फिर एक मासूम बच्चा कहेगा भाई तुझे पूरा गाना आता है? ओहो, अगर ये वीडियो एक मूवी होती तो सबसे पहले मैं इसे ही मरवाता. I love you,
अब मुझे नहीं पता एक स्कूल कैसे चलता है और उसे कौन चलाता है, प्रिंसिपल या कैंटीन वाले पाजी। लेकिन इन्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम अमेरिकन टूरिस्ट हैं, जिन्हें देश की ऐतिहासिक जगहें देखने का शौक है और टीचर्स उनके बारे में ऐसे बताते हैं जैसे उन्होंने खुद बनवाया। वो देखो बच्चों ताजमहल, तुम्हें पता है सफेद मार्बल से बना है? नहीं, हमें लगा शाहजहां की जवानी का कमाल है। वो देखो बच्चों कुतुब मीनार, जो इसकी चोटी पे सबसे पहले पहुंचेंगे उसे मिलेंगे 17 रुपए। ये ले 20 रुपए हमारी तरफ से, तू होया। वो देखो बच्चों लाल। अरे यही सब थोड़ी ना करते रहेंगे। खैर हर स्कूल ट्रिप में बच्चों को कुछ वक्त दिया जाता है शॉपिंग करने के लिए, लेकिन बच्चे शॉपिंग नहीं, ऐसा लगता है पोचिंग की में लूट मचा रहे हैं। कतई फालतू चीजें खरीदेंगे जैसे कि छर्रे वाली गन, प्लास्टिक वाला तीर कमान और बिजली वाली च्युइंग गम। एक तो ये इतनी वाहियात चीज बनाई है ना, आज भी कोई च्युइंग गम देता तो लेने में गांठ फटती है, साला करंट तो नहीं लग जाएगा। खैर ऐसे ही चटर मटर चीजें लेने में सारे पैसे खत्म, बाकी ट्रिप चलेगी उधारी पे। अब शाम हो चुकी है और तुम अपने होटल पे वापस आ चुके हो। नींद के मारे आंखें गंजेड़ियों जैसी लाल हो रखी हैं, लेकिन जोश इतना है कि शरीर को बहने नहीं दे रहा है। अब कमरे में जाते ही एक इंसान थोड़ा लेटता है, आराम करता है, थोड़ा चिल करता है। लेकिन यहाँ बात रग रग में बकचोदी दौड़ते बच्चों की हो रही है, जो क्लास में बैठे उल्टे पुल्टे सपने देखते रहते हैं। काश स्कूल में टेररिस्ट अटैक हो जाए, सब मर जाए सिवाय रूपाली के, और फिर जो शक्तियाँ मुझे निंजा हथौड़ी ने दी है उनसे मैं सारे टेररिस्ट को मार दूंगा। उस चक्कर में पूरा स्कूल तबाह हो जाएगा, जिससे मेरे 12 पैक एब्स रूपाली को दिखेंगे। मैं रूपाली का हीरो बन जाऊंगा और 3-4 महीने तक स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा। व्हाट अ ड्रीम! ऐसा सोचने वाले लोग एक जगह नहीं टिकते, पूरे होटल में ऐसा लगता है शादी हो रही है। एक दूसरे के कमरे की घंटी बजा के भाग रहे हैं और कुछ की तो लड़ाई हो गई। भोसड़ी के तू मेरे कमरे में कैसे आया? चांटों की बरसात हो गई, गुत्थम गुथाई के चक्कर में कमरे का पंखा ही गिर गया। होटल वाले भी अचंभित हो जाते हैं, ये लड़ाई जमीन पे चल रही थी या सीलिंग पे? फिर टीचर आते हैं, सब में दो दो चाटे लगाते हैं, फर्क नहीं पड़ता तुम लड़ाई का हिस्सा थे या नहीं, पंखे का पैसा वसूलते हैं और फिर वापस अपना वही जो टीचर्स ट्रिप पे नहीं आया उनकी खिल्ली उड़ाना। यही करते करते शाम से रात हो जाती है और रात में होती है ढिचिक ढिचिक बच्चा पार्टी। इस बच्चा पार्टी में तुम्हारा मकसद होता है कोल्ड ड्रिंक पी के नाचना, और कुछ बच्चे ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे उन्हें चढ़ गई हो। अरे भोसड़ी के फैंटा पी है तूने, एक बार को गैस हो सकती है नशा नहीं। अब जब बच्चे पसीनों में नहा लेते हैं, बीड़ी जलाईले पे नाच नाच के बावड़े हो चुके होते हैं, तब बारी आती है भोजन की। मुझे तुम्हारा तो नहीं पता पर मेरी बारी में हमें बहुत ही टट्टी होटल में रुकवाते हैं। साला खाने के आइटम को देखकर मन ही नहीं करता इसे प्लेट में डाल लूं, लेकिन खाना पड़ता है क्योंकि अगर तुम टीचर से बोलो सर फूड इज वेरी बैड। बेटा बाकी सब भी तो खा रहे ना, तुम कोई नवाब हो? अरे अगर सब को खा रहे हैं तो मतलब मैं भी खाऊं, ये कैसा पीयर प्रेशर है? और अगर मैं थोड़ी जिद करूं ना? सर मेरे डोसे में 3 अलग-अलग रंग के बाल निकले। देखो बेटे ये एक गेम है, मेरे डोसे में 4 अलग-अलग रंग के बाल निकले, मैं जीत रहा हूँ। खैर यही सब करने में पूरी ट्रिप खत्म हो जाती है। अंत में मैं बस यही कहूंगा, अगर तुम स्कूल में हो तो इस वक्त को एंजॉय करो और स्कूल ट्रिप पे जाओ यार, ताकि तुम दुनिया देख पाओ, अपने दोस्तों के साथ बकचोदी कर पाओ। वैसे भी घर बैठे बैठे कितना हिला लोगे। खैर इसी के साथ आज का भाषण यही खत्म होता है। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे चप्पल फेंक के मारो या फिर छर्रे वाली गन मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे जेसीबी की खुदाई देख है। बाय मोहित, खुदाई खत्म तो नहीं हुई अभी तक, आ रहा हूं मैं, मेरे बिना मत देखियो। ओह यस खुद आई लव यू साकिरा, आई लव यू, आई लव यू। सकते एक बहुत अच्छी वीडियो थी, मतलब पूरी कॉमेडी इसमें कूट-कूट के भर रखी थी, और जितनी भी बातें बताई है सारी की सारी सच है, ऐसा ही होता है कॉलेज स्कूल ट्रिप्स में। तो अभी तक जितनी ट्रिप्स देखी हैं उन्होंने ऐसे हुआ है कि पहले तो होटल्स अलग हो जाते हैं, उसके बाद बच्चों के साथ ऐसा ऐसा बिहेव करते हैं, बेकार सा बेकार खाना जो होटल्स में बना होता है वही खिला देते हैं, और सब कुछ सेम है। मतलब कैरीमिनाटी की थिंकिंग जो पावर है वो टॉप लेवल की है। आई लव हिम बिकॉज ऑफ हिज माइंड सेट, क्योंकि ये बहुत अच्छी वीडियोज बनाते हैं, किसी को भी आसानी से हंसा सकते हैं, और हंसाने के लिए बहुत ज़्यादा हुनर चाहिए होता है जो कि इनमें है। और बहुत अच्छी लगी ये वीडियो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़
सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। जैसे कि आपने कैरीमिनाटी की वीडियो में सुना था कि वो जो लाल बटन है ना उस पर चप्पल फेंक के मारो या फिर ये फोन फेंक के मारो, जो मर्जी फेंक के मारो, दब जाना चाहिए और बेल आइकन भी दबा देना अगर चाहो तो, लेकिन जरूर दबा देना। चाहे फोन फेंक के मारो, कंघी फेंक के मारो, वाटर बॉटल फेंक के मारो, जो मर्जी फेंक के मारो, या फोन को ही फेंक दो, जो मर्जी करो वो दबा देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।